अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बाजी जो है ना बना रही हैं चिकन पेटीज, तो चिकन पेटीज भी बहुत आसान तरीके से बना रही है, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको दिखाती हूँ। और चिकन पेटीज किसकी फरमाइश पे बन रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। गाइस, मैंने बाजी को बोला था ये बाजी पेटीज बनाए, मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, घर का अच्छा लगता, तो मैंने बाजी को बोला बाजी घर पे बना ले, तो बाजी आज बना रही है चिकन पेटीज। ये मैं आपको दिखाती हूँ, चले इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले बाजी ने जो है चिकन बॉईल कर ली थी अदरक लहसुन डाल के, और इसके छोटे छोटे से रेशे बना लिए हैं। बाजी इसमें डालने वाली हैं तली हुई जो प्याज होती है फ्राई करके रखी है वो डाल ली है। इसके अलावा इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगी और हरा धनिया और हरा पुदीना। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं बाजी इसमें कटिंग करके डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी। तो फिर आगे का प्रोसीजर इसी तरह से मैं बताती हूँ। बाजी अभी इसको मिक्स कर रही है। अच्छा, ये बाजी है ना पफ पेस्ट्री लेकर आई थी, तो इसको फ्रीज़र कर दिया था। फ्रीज़र से निकली है तो थोड़ी मतलब ये ज़्यादा फ्रीज हो गई है, तो बाजी इसको थोड़ा सा नरम कर रही है। उसके बाद ये कटर है इसका, इससे कटर से कटिंग करके और फिर पेटिस के जो से शेप होती है वो बना के बाजी तो इसमें मसाला लगाएगी। और ये जो है मतलब नरम करने के लिए थोड़ा सा इसको बेल के और फिर इसको जो है कटर से काट के और पेटिस को शक्ल देगी, जो पेटिस की एक अपनी शक्ल होती है ना बेकरी वाले पेटिस की, उस तरह की बाजी इसको एक लुक दे रही है। तो ये कटर इसी के लिए मतलब इस्तेमाल के लिए लेकर आई हूँ। ये इस तरह से मतलब इसमें मसाला भर दिया है और अब इसके ऊपर दूसरा एक लेयर लगा के ये पेटिस पूरा तैयार हो रहा है। तो ये देखते जाएं मतलब ये मैं दिखा रही हूँ बाजी, बस जो पफ पेस्ट्री है ना थोड़ी सख्त है तो उसको बेलना भी पड़ रहा है। बाजी बेल रही है इसको और फिर कटर से कटिंग करके इसका पेटिस तैयार करेंगी। जितना ये मतलब चिकन का मसाला है ना बाजी इस हिसाब से पेटिस तैयार कर रही है। तो सारे पेटीज अभी जब तैयार होते हैं तो फिर इसको मैं दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सबको जो है ना सेटिंग से बेल कर और फिर कटर से कट करके जो है बाजी पेटीज तैयार करेगी, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। तलबशा जो है बहुत सुकून से खड़ी हुई है, सुकून से खड़े होकर ये सब चीज़ें देख रही है और खुश हो रही है कि मेरी फरमाइश पर जो है पेटीज तैयार हो रहे हैं। बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं कभी कभी, मतलब उनकी फरमाइशें पूरी हो रही होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, और वो यही चीज़ अभी तलवशा इस वक्त यहाँ खड़े होकर कर रही है। तो मतलब ये कि अच्छा लगता है, मैं बाजी से यही कहती हूँ। और बाजी तो खैर हमारी ऐसी हैं कि उनसे अगर कोई फरमाइश कर दे तो बाजी कभी भी किसी को मना नहीं करती, और उसके लिए जो मतलब जिस चीज़ की फरमाइश हो फौरन बाजी बनाने के लिए खड़ी हो जाती है। बस अगर वो सामान मतलब मिल जाए जिस चीज़ के लिए मतलब फरमाइश की गई, अगर वो सामान मौजूद है तो बाजी कभी भी मना नहीं करेगी और बनाना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो है एक ढक्कन ले लिया देगची का, इस पे घी की लेयर लगा रही है ताकि इसके ऊपर पैटिस रख के ना और फिर बाजी इसको बेक करेगी। तो चलें अभी देखते हैं। ये जो इस पे लेयर लगा रही है ना ये अंडे की लेयर है, क्योंकि इससे ही है ना ऊपर मतलब पेटिस का जो कलर आता है ना वो इसी से आता है और इसका कोई और ऐसा काम नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से अंडे की एक लेयर लग रही है ऊपर से। ये मतलब पेटिस जो है सब सेटिंग कर लिए हैं और ढक्कन पे लगा दिया, अब इसको बेक करेंगी। तो आजकल जो है ना थोड़ा सा ओवन हमारा ख़राब चल रहा है और फरमाइशें दो रुक नहीं रही हैं, तो बाजी ने कहा चलो मैं इसी तरह बेक कर लेती हूँ। तो बाजी ने इसके अंदर रख दी है। अब तकरीबन बाजी कह रही है अगर ओवन में होता तो थोड़ा जल्दी मतलब बन जाते, इसमें तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा। इसमें रख दिया, अब आधे 1 घंटे बाद इसको देखेंगे और ये मतलब तैयार हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं इनकी किस तरह की लुक आती है और किस तरह का टेस्ट आता है। और ये बाजी ने अभी 1 घंटे बाद तकरीबन चेक किया तो देखें कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल बेकरी वाले पेटिस लग रहे हैं और अच्छे मतलब फ्रेश फ्रेश घर में तैयार हुए हैं। तो जाहिर है फ्रेश चीज़ होती है, अगर हम बाज़ार से लाएं तो इतने फ्रेश हमें मिलेंगे नहीं। तो अभी टेस्ट करते हैं इनको और मैं आपको बताती हूँ उसका जायका कैसा है।
चल भाई साहब, पेटीज कैसे लग रहे हैं? अच्छे। बहुत मजेदार है। हाँ यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। बेकरी से तो इतने अच्छे नहीं आते, नहीं वो बासी हो जाते हैं बेकरी वाले। ये अच्छे गरम गरम निकले ना। दरबशा को जो है ना अच्छी फ्रेश चीज़ें पसंद आती हैं, बस बासी चीज़ें अच्छी नहीं लगती और ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। चटोरी है दरबशा, है ना? चटोरी लग रही हूँ मैं आपको। गाइस आप बताइएगा दरबशा आपको चटोरी लगती है या नहीं। और लाइक नेक्स्ट शेयर सब्सक्राइब जल्दी करो। चलो बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। बाय बाय।